हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूँ फिजिक्स ज्ञान वोकेशनल चैनल पे। बहुत सारे बच्चे को फिजिक्स में न्यूमेरिकल में बहुत बड़ी दिक्कत आती है, प्रॉब्लम्स वाले नहीं होते, फार्मूले याद है सर, थ्योरी की पढ़ाई भी कर रहे हैं हम लोग। बेटा कुछ ना कुछ तो लैक होगा, उसके लिए हम लोगों को एनालिसिस करना बहुत जरूरी होता है। और आज के वीडियो में आप लोगों को मैं एनालिसिस करके दूंगा, शायद आप लोग भी इस चीज को आज आप लोग सपोर्ट करोगे कि हाँ सर हम लोग ये गलती कर रहे हैं बोल के, और वो गलती अपनी को सुधारना है। ओके, तो चलो यार आज के वीडियो को आगे बढ़ते हैं। फिजिक्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करें। बेटा प्रॉब्लम सॉल्व करना मतलब कोई छू मंतर जादू मंतर बोल के आपको जादू कर दो और आपको आएंगे, ये कदापि होने वाला नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा सर फिजिक्स के न्यूमेरिकल के लिए? मैं बहुत बार बोलता हूं आप लोगों को, है ना यार, टेक्स्ट बुक आपको अच्छी तरह से आना चाहिए, क्योंकि कोई भी फार्मूला बना है तो उस फार्मूले का पहले कॉन्सेप्ट आना बहुत जरूरी होता है। टेक्स्ट बुक रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इससे क्या होता है, जैसे कि आपको रोटेशनल डायनामिक्स में ये फार्मूला लिखा होगा तो ये बेटा पढ़ के नहीं चलेगा। सर IO इज इक्वल टू IC प्लस MH स्क्वायर, कोई अल्फाबेटिकली ये कोई सिंबल नहीं है, इसका मीनिंग है इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। O मतलब कहां से एक्सिस पास होगी, C मतलब कहां से एक्सिस सेंटर से पास हो रही है, लेकिन सेंटर से हो रही है क्या, नहीं, सेंटर ऑफ मास से हो रही है, मतलब है पता तो होता IC इज द एक्सिस पास होगी सेंटर से, नहीं बेटा, सेंटर ऑफ मास जिस बॉडी का जिस पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट होगा वहां का है, ये मीन्स द मास है, ये चीज दोनों के दो एक्सिस के बीच का अंतर है। लेकिन भैया वो एक्सिस कैसे होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए, लेकिन ये कितना पैरेलल, ऐसे चलेंगे क्या, ऐसे चलेंगे क्या, तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना पड़ता है। ये न्यूमेरिकल का बेस है भाई। हम लोग क्या कर रहे हैं, फार्मूला उठा रहे, आपको लग रहा है कि मुझे आ जाएगा, नहीं बेटा। और दूसरी बात मैं धीमे धीमे बताऊंगा आप लोगों को कि टेक्स्ट बुक रीडिंग तो है भाई, लेकिन उसके बाद में आपको अच्छी तरह से डेरिवेशन आना चाहिए। डेरिवेशन में हर स्टेप का मतलब समझ लो, डेरिवेशन आ गया भैया आप लोगों को फार्मूला फिर मिलेगा। अगर ये फार्मूला मिला बेटा तो इस फार्मूले को स्प्लिटअप करते आना चाहिए, उसको तोड़ते आना चाहिए बेटा। तोड़ना मतलब क्या होता है, कोई भी एक वैल्यू वेरिएबल उसका निकालते आना चाहिए, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। आप लोगों को कभी कभी गिवन डेटा भी समझा देता है कि आपको करना क्या है, लेकिन वो प्रेजेंस ऑफ माइंड का खेल होता है। गिवन डेटा से भी पता लगता है कि यार इसमें इतनी इतनी वैल्यू दी, जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पर वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। भैया अब स्पीड निकालने के लिए बोल रहे, आर दिया है, ओमेगा नहीं है, लेकिन फ्रीक्वेंसी दे वाले बेटा 2 हर्ट्ज, तो ये समझ में आना चाहिए कि आर ओमेगा का फार्मूला ट्वाइस पाई एन भैया, समझे क्या मतलब। आप ये सॉल्व करना इजी होगा, कभी कभी हमको पीरियड दिए वाला है जैसे कि 5 सेकंड, तो यही फार्मूला हम लोगों को ट्वाइस पाई आर बाय ये फार्मूला, देखो ट्वाइस पाई एन की वैल्यू टी होती है, तो ये प्रेजेंस ऑफ माइंड का खेल होता है, हमको क्या गिवन में दिया गया है। बेटा भले आपको स्पीड निकालने के लिए बोल रहे कोई पार्टिकल की, लेकिन वो आर कौन सा है, कभी कभी अलग अलग स्पीड निकालने के लिए बोलेंगे मोस्ट सेफ स्पीड, तो रूट ऑफ आर जी टैन थीटा, अब एंगल दिया होगा, तो ये धीमे धीमे समझ में आएगा। तो फार्मूला अब करना क्या बेटा, मैं लिख रहा हूं यहां पे लेवल 1, इसमें बहुत ऐसे इजी न्यूमेरिकल करो। आपको क्या करना है, एक रोटेशनल डायनामिक चैप्टर लेना है आपको, समझो उस चैप्टर में कोई भी नोट्स हो सकती है, टारगेट हो सकती है, नवनीत हो सकती है, कुछ भी जो भी आपके पास नोट्स हो, मैं उसकी बात कर रहा हूं। समझो 50 न्यूमेरिकल मिले सर, इसमें से हम लोगों को, मैं तो बोलता हूं 5 या 10 के बीच में न्यूमेरिकल, 2-2 मार्क के, बहुत इजी, सिंगल फार्मूले के बेसिस पे हो। सिंगल फार्मूला मतलब डायरेक्ट फार्मूला, इसके अंदर का अंदर फार्मूला नहीं होना चाहिए। ऐसे न्यूमेरिकल सेलेक्ट करना है और उसको सॉल्व करके देखो, कहीं ना कहीं हमारे अंदर कॉन्फिडेंट डेवलप होता है कि यार मुझे इजी इजी तो आ रहे ना। हम लोग क्या करते हैं, पहले इजी बात में एकदम हार्ड टफ लेते, टफ, और वो टफ हम लोगों को निगेटिव थिंकिंग पैदा करती है, डिमोटिवेट करता है। क्या मेरी बात आप लोगों को सही लग रही है क्या ये, ठीक है बेटा। मतलब लेवल 1 में भले मैं 50 में से 10 भी अगर न्यूमेरिकल 2-2 मार्क के, सिंपल 3 लाइन के, मतलब 3 लाइन मतलब पहले फार्मूला गिवन डेटा डायरेक्ट कैलकुलेशन, 3 या 4 लाइन में सॉल्व कर सकते, ऐसे न्यूमेरिकल को उठाना है।
फिर वो एमसीक्यूज भी उठा सकते हैं, मार्वल टारगेट कोई बुक हो तो उठा सकते हैं। नंबर पांच नंबर पे लेवल नंबर टू, लेवल नंबर टू में इसमें भी मिडल लेवल है बेटा, है ना, ये जो है ना ये मिडल लेवल पे, मतलब बहुत ज्यादा नहीं, एक सिंपल लेवल पे, मतलब जैसे पहले फार्मूला, इस फार्मूले के अंदर और एक फार्मूला, लेकिन वो इजी लेवल पे हो, ओके, इस लेवल पे आना चाहिए। और नंबर छह पे बेटा लेवल नंबर जो आपकी थर्ड होगी वो हार्ड होगी, ओके, या हार्ड लेवल मतलब थोड़ा सा टफ मालूम होना चाहिए बेटा। क्या होता है, ये दोनों जो फार्मूले से आपने किया ना, ये दोनों को मिक्स करके थर्ड हार्ड बना देते हैं, बाकी कुछ नहीं होता है। लेकिन एक बात थोड़ी सी आप लोगों को इसके साथ सबसे मेन मैं बताना चाहता हूं, आपको लॉक टेबल आना चाहिए बेटा। यहाँ पे सीईटी जैसे एचएससी बोर्ड में आपको अंदाज से नहीं कर सकते, थोड़ा सा मैच होगा, ऐसा नहीं परफेक्ट वैल्यू आना चाहिए। तो लॉक टेबल की सीरीज भी आपको मिल जाएगी, या आई बटन में या एंड स्क्रीन में दे दूंगा आप लोगों को, तो ये लॉक टेबल भी आना चाहिए। तो इस तरीके से पॉइंट शिफ्टिंग आना चाहिए, इसका भी वीडियो है, फिजिक्स ज्ञान मुकेश सिंह पॉइंट शिफ्टिंग या बेसिक कॉन्सेप्ट बोल के मैंने वीडियो बना के रखे। तो ये सिंपल सिंपल जो चीजें है वो चीजें मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इसके लिए लॉक टेबल लेता है लगता है। नंबर पॉइंट शिफ्टिंग आना चाहिए, ओके, बेसिक चीजें आनी चाहिए, ये धीमे धीमे कलेक्ट करो। हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट बुक ओपन की न्यूमेरिकल चालू कर रहे, नहीं आएंगे भैया। उसके लिए देखो, हम लोगों को कभी भी कोई भी चीज करनी है तो स्टेप बाय स्टेप करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि फिजिक्स के न्यूमेरिकल ये जो बंदे फॉलो करेंगे, ये पॉइंट मैं गारंटी के साथ देता हूं बेटा कि आप अपने न्यूमेरिकल अच्छे कर सकते हो। अभी भी कुछ बच्चों के पास यार न्यूमेरिकल सर नहीं हो रहे, तो यार ऐसे बच्चों के लिए भी हमने एक शौर्य बैच लॉन्च की, जिसमें दिनेश सर, मुकेश सर, सोहिन सर, हम तीनों लोग हैं, बहुत बढ़िया तरीके से करके दे रहे। हर पहले टॉपिक पढ़ा रहे डेरिवेशन, बाद में उसका मतलब, फार्मूला, फार्मूले के ऊपर छोटे छोटे फार्मूले कैसे बनते हैं, उसके बाद में न्यूमेरिकल, इस तरीके से हम लोग करते हुए आप लोगों को फिजिक्स में कैसे 90 क्रॉस कर सकते, 95 क्रॉस कर सकते, इसकी कोशिश। कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे कि सही में पहले टैलेंट है, वो तो 100% बेटा 100 आउट ऑफ 100 नंबर्स मिल सकते। यार इसमें मैं हेवीली आप लोगों को बताना चाहता हूं कि फिजिक्स सेपरेट ले सकते हो, केमिस्ट्री ले सकते हो, मैथ्स ले सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से आप लोगों ने पीसीएम ग्रुप लेना चाहिए, मेरा सजेशन रहेगा। यहाँ पे आपको 7 से 8 मैथ दिनेश सर आप पे होता है, 6 से 7 होता है, 7 से 8 फिजिक्स मुकेश सर पीजीएम में आप पे होता है, 8 से 9 केमिस्ट्री ऑल अबाउट इस पे होता है। ये 4000 का कोर्स खाली हम लोग 2000 रुपये में दे रहे। नंबर वन, 2000 रुपये में फिजिक्स न्यूमेरिकल सब चीज़ें सीखने को मिल रही भैया। 2000 बहुत बड़ी बात नहीं है। आप लोग रोज का एक वड़ा पाव खाना बंद करोगे, या कोई आप चाय पीते होगे, चाय भी 10 रुपये की होगी भैया, क्या बोलना, एक चाय पीना बंद करोगे तो आप फिजिक्स पढ़ सकते हो। सोच लीजिएगा, जल्दी से इंटरमेंट कर सकते, इसी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी। लेकिन मैं हेवीली आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आप शौर्य बैच में ये 10000 का कोर्स 4500 रुपये में ले सकते हैं। लेकिन बेटा इसके लिए एक MH123 ये कूपन कोड इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो 5000 रुपये आपको भरना पड़ते हैं, ठीक है। तो यार तीनों सब्जेक्ट क्यों लेना चाहिए, क्योंकि हम लोग ने के बेटा तीनों सब्जेक्ट को साथ में लेके जा रहे, नहीं तो होता क्या, फिजिक्स बहुत आगे है सर, मैथ्स बहुत आगे, केमिस्ट्री बहुत आगे, एक सब्जेक्ट पीछे, कोई फायदा नहीं है। पढ़ना चाहते हो तो भैया तीनों सब्जेक्ट में देखो इंडिविजुअल लेना, ये आपकी मर्जी, मुझे फिजिक्स ही नहीं आता ले सकते, लेकिन मैं बता रहा हूं कि आपको तीनों को आगे लेके जाऊंगा तो शायद आप एमएसटी सीटी नीट कोई भी एग्जाम दे रहे तो उसके लिए बहुत बड़ा बूस्ट मिलने वाला है, क्योंकि हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट डिलीवर कर रहे हैं यहाँ पे। तो चलो यार मिलते हैं ऐसे लेक्चर में, इसे डिस्क्रिप्शन में जाना है, पीजीएम आपको डाउनलोड करना है और एनरोलमेंट जल्दी से करना, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट बेटा पढ़ा रहा हूं बहुत सारे। तो चलो यार मिलते हैं कोर्स में, तब तक बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।